हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले लेक्चर में हमने ये देखा था कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आई मीन जी का वैल्यू अर्थ के लिए कैसे चेंज होता है हाइट डेप्थ रोटेशन एंड शेप एंड साइज से, और उसमें हमने बहुत सारे केसेस भी डिस्कस किए थे। अभी इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा भी है, लेकिन उस कहाँ पढ़ा था याद आया आप लोगों को? वर्क पावर एनर्जी जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा था। तो वहाँ मैंने जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने देखा था, वहाँ मैंने ये माना था कि जी का जो वैल्यू है आई मीन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ जो है वो क्या है, नियरली आई मीन कॉन्स्टेंट है। तभी उस फार्मूला को हम यूज कर सकते थे एम जी एच। आपको याद होगा शायद कि ये अर्थ है या ये अर्थ है, यहाँ से एच हाइट पे इस मास को हम ले जा रहे हैं, तो अभी इसके पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो कितना होगा, एम जी एच होगा। लेकिन उस फार्मूला को उस रिजल्ट को हम तभी यूज कर सकते हैं जब जी का वैल्यू क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। वंस जी विल चेंज वी कांट यूज दैट रिलेशन। तो प्रश्न ये होता है कि यदि जी का वैल्यू यदि वेरिएबल है तो हम कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे, तो उसी के बारे में आज हम देखेंगे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होता है, दो टाइप्स से हम उसको डिफाइन करते हैं, एक एब्सोल्यूट पोटेंशियल एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरे को जो हम बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम वन डिफाइन कर लेंगे और फिर उसके बाद हम क्या है दूसरे को डिफाइन। वहाँ भी मैंने बताया था, ध्यान से सुनो, कि ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी ऑब्जेक्ट को या किसी मास को एक जगह से दूसरे जगह मूव कराने के लिए जितना काम करना पड़ता है, जितना एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा काम करना होता है, वही जो काम जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या है, कंजर्व हो जाता है। और जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी का बात करते हैं तो किसी पार्टिकल के बारे में नहीं बात करते हैं, सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो हमने वहाँ भी पढ़ा था, सिंपल आपसे कोई पूछे कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से जो एनर्जी स्टोर होता है या कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने में जो काम करना पड़ता है वही क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह मूव कराने में जितना काम करना होगा वही जो काम होता है वो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होता है, कंजर्व हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, संरक्षित हो जाता है। समझ में आई बात? तो सबसे पहले जो हम जनरली जो यू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मैं सिंबल जो होगा इट इज़ मैं लिख देता हूँ, इट इज़ डिनोटेड एज यू। तो मैं यहाँ जब लिखूँगा, देखो डेल्टा यू का मतलब क्या हुआ, यू एफ माइनस क्या हो जाएगा, यू आई, ठीक है। तो जब यहाँ मैं डिफाइन करूँगा, देखो यही होता है वर्क डन, यहाँ मैंने क्या लिखा एफ एक्सटर्नल डी आर, और यहाँ क्या लिखा इनिशियल टू हमने क्या लिख दिया फाइनल। बस यही आपको क्या करना है, डेफिनेशन क्या करना है याद रखना है, ठीक है। एफ डॉट डी आर ले लो, आपको डाउट नहीं होगा। समझ में आई बात? एफ क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, डी आर क्या है, समझ में आया बात? तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसको दूसरे तरह से और भी हम डिफाइन करते हैं, एक डेफिनेशन ये हो गया, ठीक है, ध्यान देना। इसी को यूज करके सारे रिजल्ट हम क्या करेंगे, दूसरा जो होगा, देखो डेल्टा यू का मतलब कि यू एफ माइनस क्या हो जाएगा, यू आई, ठीक है। यहाँ मैं यदि लिखूँ कि डेल्टा यू, दूसरे तरह से हम इसको ये भी डिफाइन करते हैं कि यू एफ माइनस क्या हो जाएगा, यू आई इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ, देखो आई एफ, आई टू एफ आई मीन इनिशियल टू फाइनल, एफ ग्रेविटेशनल फोर्स डॉट डी आर का माइनस साइन। आई मीन यहाँ हम बोल सकते हैं दिस इज क्या हुआ, याद आया कि दिस इज निगेटिव, दिस इज वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये क्या हो गया निगेटिव। तो यहाँ हम ये भी बोल सकते हैं, देखो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स वाइल मूविंग द मास फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज बींग स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरे वे में हम ये भी बोल सकते हैं कि निगेटिव ऑफ द वर्क डन
by the gravitational force while moving the object या मास फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इज बींग स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम क्या करेंगे यूज कर सकते हैं। यहाँ याद रखना है कि वर्क करना है तो वर्क जब भी हम करते हैं तो क्या करते हैं मिनिमम करते हैं, ठीक है। तो मिनिमम वर्क का मतलब क्या हुआ कि वर्क पार्टिकल को जब हम मूव कराएंगे तो पार्टिकल विल मूव मस्ट विथ क्या होगा कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो ये जनरल डेफिनेशन हुआ, इसी को यूज करके हम अब रिजल्ट डेराइव करेंगे, ठीक है। नितिन दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो इसमें जो पहला जो टाइप होगा ये ध्यान देना तुम कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू मास सिस्टम या टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। देखो ध्यान से, अब मुझे क्या करना है पहले देखो। अब मान लो कि क्या है एक मास यहां है, इसका एक पार्टिकल यहां है जिसका मास m1 है, एक पार्टिकल यहां है जिसका मास क्या है m2 है, ठीक है। और इनको क्या करना है r डिस्टेंस पे रखा गया है और आपसे पूछा गया है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अब देखो यहाँ से ध्यान देना, ये यहाँ मैंने मान लिया क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ मैंने ये इन्फिनिटी है और यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा इन्फिनिटी होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा इन्फिनिटी। अब देखो m2 मास को, देखो ध्यान से m2 मास को यहाँ से इन्फिनिटी से यहाँ मूव कराने में जितना काम करना पड़ेगा वही क्या होगा चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा स्टोर हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ से यहाँ किसी ऑब्जेक्ट को क्या करना है मूव कराना है, समझ में आया। तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रिजल्ट आता कैसे है, समझ में आया क्या। यहाँ से यहाँ मुझे क्या करना है किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से, देखो इन्फिनिटी से M2 को इन्फिनिटी से P पॉइंट पे मूव कराने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही क्या हो जाएगा इनके बीच ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होगा स्टोर हो जाएगा, समझ में आया। तो मैं ये मान लेता हूँ, ठीक है। देखो मैं डेरिवेशन अभी बताता हूँ कि क्या होगा, ठीक है। अपने को क्या प्रूव करना है, देखो कि u एज ए r इक्वल टू क्या हो गया u एट इन्फिनिटी माइनस g m1 m2 अपॉन क्या हो जाएगा r हो जाएगा, ठीक है। दिस इज क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द पार्टिकल बोथ द पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय r, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द पार्टिकल सेपरेट पार्टिकल्स आर इनफाइनाइटली अवे माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यही क्या करना है अपने को प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे। मान लो हम जनरल है कि मान लो कि मुझे क्या करना है, यहाँ M1 है, इसको M1 को हमने क्या किया फिक्स कर दिया और M2 को मैं क्या कर रहा हूँ M2 किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कहाँ है यहाँ से, ठीक है। मान लो इसको मैं R मान लेता हूँ, ठीक है, बाद में हम लिख देंगे, ठीक है R तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये R लिख लो, R सेपरेशन कोई उतना ये सोचना नहीं है, ये कभी क्या है R डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब देखो इसको ए एम टू है, एम टू को मैं क्या कर रहा हूँ इसको मूव करा रहा हूँ इधर, तो इधर मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूँगा, ठीक है। और एट द सेम टाइम ये क्या कर रहा है उस पर एम वन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगा और ये क्या होगा एफ जी, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। और एम टू जब स्लोली मूव कर रहा है, अब मान लो कि यहाँ से कितने डिस्टेंस अवे मूव कर गया डी आर,
ठीक है। अब देखो यहां से हम लिख सकते हैं एफ जी का मैग्नीट्यूड लिखूं तो क्या लिखूंगा, जी एम वन एम टू अपॉन क्या लिखूंगा, आर स्क्वायर। और स्लोली मूव करा रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं एफ एक्सटर्नल के इक्वल भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है बेटा, ठीक है। अब देखो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स व्हाइल मूविंग द मास फ्रॉम इनिशियल पोजीशंस टू फाइनल पोजीशन इज बीइंग स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, आर डिस्टेंस पे फर्दर डी आर मूव कराया, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या लिखा, डी डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्सटर्नल, ठीक है, डॉट क्या लिखा, डी आर। और देखो एफ और डी आर, एफ एक्सटर्नल भी इधर है और डी आर भी इधर है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एफ एक्सटर्नल डी आर, समझ में आया। तो यहां से मैं लिख सकता हूं वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इंटीग्रेशन आई टू हम क्या लिखेंगे, एफ, ठीक है, या इसको मैं लिख देता हूं आर आई टू आर एफ, आ जाएंगे फिर अभी हम वहां आ जाएंगे, ठीक है। क्या मैं लिख रहा हूं, आर आई टू आर एफ, या ऐसे ही रहने भी दे सकते हो, ऐसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आर आई टू आर एफ इसका वैल्यू रखो तो देखो जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर डी आर, और इसको कॉमन ले लो तो आप लिख सकते हो जी एम वन एम टू, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर आई टू आर एफ आर के पावर माइनस टू डी आर, ये बात समझ में आया। अब पावर फार्मूला यूज कर दो तो जी स्मॉल एम वन एम टू, ठीक है, देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन आर इंटीग्रेशन आर आई टू आर एफ, ये इनिशियल वैल्यू और ये क्या होगा, फाइनल वैल्यू, ठीक है। अपने को क्या प्रूफ करना है वो मालूम है, अब देखो कुछ नहीं है, वैल्यू केवल रख देना है। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये मालूम है, सिंप्लीफाई करने के बाद देखो, सिंप्लीफाई करने के बाद कितना हो जाएगा, तो W एक्सटर्नल इज इक्वल टू हमने क्या लिखा, माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर, ठीक है, इक्वल टू क्या लिखा, आर आई इंटू आर एफ, आर आई टू आर एफ, ठीक है, और वैल्यू रख दो तो आई थिंक डायरेक्ट भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ जी एम वन एम टू अपॉन आर आई माइनस जी एम वन एम टू अपॉन क्या होगा, आर एफ, ठीक है। तो एक्सटर्नल कभी कभी भी पूछा जाएगा, देखो दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्क भी पूछा जा सकता है और क्या होगा कि एक्सटर्नल वर्क। अब देखो यहां से मैं लिख सकता हूं जी एम वन एम टू अपॉन क्या होगा आर आई माइनस क्या होगा जी एम वन एम टू अपॉन क्या होगा आर एफ। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा कि वर्क डन दो पार्टिकल को देखो इनिशियल सेपरेशन से फाइनल सेपरेशन तक ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा। तो देखो ये वर्क पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है ना बेटा, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव वर्क डन है, इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम का है क्या है, बढ़ रहा है। अब हम आते हैं डेफिनेशन से, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स व्हाइल मूविंग द मास फ्रॉम आर आई टू आर एफ इज, यहां मैं लिख सकता हूं कि क्या होगा, नाउ लिख सकते हैं वर्क, ठीक है, वर्क डन बाय क्या होगा एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग M2 फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम आर आई टू आर एफ इज बीइंग स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, चेंज इन ग्रेविटेशनल नहीं, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन यही होता है, ठीक है, थोड़ा सा मैं अलग तरह से बता रहा हूँ तुमको, जनरली जो बुक में दिया हुआ है उससे थोड़ा सा मैं अलग जा रहा हूँ।
आऊँगा वही, लेकिन एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताना है मुझे, फिर मैं यहाँ से ये बताऊँगा। समझ में आया ना? तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ चेंज का मतलब, मैंने क्या लिखा बताया, डब्ल्यू यू, डेल्टा यू का मतलब क्या होगा, यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू, ठीक है। ये क्या हो गया देखो ध्यान से, जी एम वन एम टू अपॉन आर आई माइनस क्या हो गया, जी एम वन एम टू अपॉन क्या हो गया, आर एफ, ठीक है। आर आई का मतलब क्या हुआ, इनिशियल सेपरेशन, और आर एफ का मतलब क्या हुआ, फाइनल सेपरेशन। कभी कभी क्या है, तुमसे वर्क पूछा जा सकता है, तो वर्क इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्या होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। बेटा ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी आपसे वर्क पूछा जाए तो सिंपल आप क्या करोगे, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप यूज कर दो। आसानी से क्या होगा, जब भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना होगा, अभी हम न्यूमेरिकल देखेंगे, तो वहाँ ये फॉर्मूला तुमको क्या करना है, याद रखना है। वर्क जब भी पूछा जाए तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्या होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब मैं यहाँ केसेस जनरल रिजल्ट ही है, मैं ये मान लेता हूँ कि देखो अब यहाँ इस रिजल्ट पे हम आ जाएंगे, ठीक है, कि मैं यहाँ ये मानता हूँ देखो कि इफ इफ आर आई इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड क्या होगा, आर एफ इक्वल टू आर, आई मीन ये एम वन है, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या हुआ, फाइनल पोजीशन होगा, दिस इज फाइनल पोजीशन, और ये अभी क्या है, यहाँ इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी, दिस इज इनिशियल पोजीशन। तो ये आर आई, आई मीन इन्फिनिटी से हम कहाँ ला रहे हैं, एम टू को कहाँ ला रहे हैं, एम टू को कहाँ से, इन्फिनिटी से आर सेपरेशन पे ला रहे हैं, देखो यही दिया है ना, देखो यहाँ से यही मैं बता रहा था। तो इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे, आई मीन लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही क्या होता है, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। तो देखो यहाँ लिखूँ, देखो ध्यान से, तो मैं अभी लिख सकता हूँ, अभी मैंने बताया था कि यहाँ मैंने क्या माना है, यू इन्फिनिटी, यहाँ मान लेते हैं यू आर, ठीक है। तो अब देखो डेल्टा यू, आई मीन मैं लिख सकता हूँ यू आर माइनस यू इन्फिनिटी इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ वैल्यू रखो बेटा, देखो यहाँ क्या करना है, आर एफ के जगह मुझे क्या लिखना है, आर लिखना है, और आर आई क्या है, वहाँ सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो माइनस जी एम वन एम टू अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो जनरली आप सभी बुक में देखोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी पे जनरली पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या मानते हैं, जीरो मान लेते हैं। समझ में आया ना, क्या मानते हैं, जीरो मान लेते हैं। लेकिन कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में इन्फिनिटी पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी नहीं दिया रहेगा, कुछ वैल्यू दिया रहेगा, और आप डायरेक्ट इसको जीरो करके कंसीडर कर रहे हो, तो आंसर क्या होगा, गलत आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि यू आर इज इक्वल टू क्या होगा, U at infinite separation minus क्या होगा, जी एम वन एम टू अपॉन क्या लिखेंगे, R लिखेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल masses m1 and m2 when the masses are at separation r small r, ठीक है, ये समझ में आया। अब हम यहाँ से, तो ये जनरल, अब जनरल ये रिजल्ट आपको क्या करना है, याद रखना है। लेकिन अब हम मानेंगे कि इफ, ऐसा मान लें कि इफ, सभी बुक में क्या किया गया है कि इसी को यहाँ यू इन्फिनिटी हमने जो माना है, आई मीन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द चार्ज, व्हेन द मासेस आर एट इनफाइनाइटली अवे, क्या मान लिया गया है, जीरो मान लिया गया है, ठीक है। लेकिन हमने जीरो नहीं माना, हमने पहले ये रिजल्ट कैलकुलेट किया, क्योंकि कभी कभी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी दिया रहेगा आपको, कुछ वैल्यू दिया रहेगा, तो उस समय आप केवल ये फॉर्मूला यूज करोगे कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, आर तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम मानेंगे कि नाउ इफ इफ यू एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो, देन क्या हो जाएगा, देन यू एज सेपरेशन आर इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन क्या हो जाएगा, आर विथ माइनस साइन। ये क्या हुआ कि जब क्या होगा, आर सेपरेशन पे कोई भी
मास आई मीन होगा तो दो पार्टिकल्स होंगे तो उनके बीच जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा वो क्या होगा, माइनस जी एम वन एम टू अपॉन क्या होगा आर होगा। ये याद रखना है, इस रिजल्ट को आपको क्या करना है, याद रखना है कि जब भी इन्फिनिटी के बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि इन्फिनिटी पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को यूज करेंगे। समझ में आया ना, किस रिजल्ट को, इस रिजल्ट को। यदि इन्फिनिटी पे कुछ वैल्यू दिया हुआ है तो हम कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे, ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे। तो बेटा ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अप टू मासेस क्या है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या हुआ, फॉर्मूला हो गया। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसके बाद इसी को हम यूज करेंगे, ठीक है। अब नोट में देख लो, यहाँ से एक दो पॉइंट और बताए। मान लो कि ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, और एक पॉइंट मास यहाँ है और इसका मास क्या है, एम है। इसके सेंटर के बीच सेपरेशन जो दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने वक्त ये ध्यान देना है क्या क्या करना है, जी एम वन एम टू अपॉन आर क्या है, उनके बीच सेपरेशन क्या है, ठीक है। तो देखो ये मैंने ही बताया था कि कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो आउटसाइड के लिए हम क्या करेंगे, उसको पॉइंट मास की तरह कंसीडर कर लेंगे। तो बेटा यहाँ तुम बता सकते हो कि दोनों के बीच ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट मास से रिप्लेस कर देंगे यहाँ। तो ये एम यहाँ हो गया और अभी इनके बीच सेपरेशन स्मॉल एम ए डी हो गया। तो यहाँ आप आसानी से लिख सकते हो यू इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ठीक है, अपॉन डी। ये आपको क्या करना है, इस रिजल्ट को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो स्फीयर और एम के बीच क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कोई पूछे तो जब भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है फील्ड निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, फोर्स निकालना है, और तो क्या करना है, आउटसाइड के लिए उसको पॉइंट मास की तरह क्या करना है, ट्रीट कर लेना है, जैसा कि मैंने यहाँ लिख दिया। और फिर सिंपल टू पॉइंट मासेस के लिए फॉर्मूला क्या है, माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर, माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर, मैंने वही फॉर्मूला क्या किया है, यहाँ यूज किया है। दूसरा एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये दो स्फीयर है, इसका मास m1 और इस पे मास क्या है, m2 दिया हुआ है। और यहाँ ये भी याद रखना, सुनो ध्यान से, यहाँ हमने ये माना है, एक और पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ ये याद रखना है कि d इज मच मच ग्रेटर देन क्या है, r। इसके रेडियस से क्या है, r है, ध्यान देना है। ये इनफाइनाइटली नहीं, तो इसका खुद का एनर्जी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कभी कभी क्या है, वो चीज बाद में हम पढ़ेंगे, अभी यहाँ जरूरी नहीं है। यहाँ भी तुमसे कोई पूछे कि क्या करना है, यहाँ तुमको एनर्जी लिखना होगा, तो तुम कैसे लिखोगे, उतना नहीं पढ़ना है, केवल ये ध्यान रखना। यहाँ हम क्या लिखेंगे, अगेन इनको पॉइंट, तो यू एस यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस जी एम वन एम टू अपॉन क्या होगा, यदि आपसे कहीं ये पूछा जाए, ठीक है। सेल्फ एनर्जी भी होगा इसका, सेल्फ एनर्जी कितना होता है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे कभी पूछा जाए तो हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं पॉइंट मास, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, इसका रेडियस क्या होगा, आर वन, इसका रेडियस क्या होगा, आर टू, नहीं यहाँ डी नहीं, ये जनरल रिजल्ट ही है, डी मत लिखो, डी के लिए फिर तुम्हारा इंट्रैक्शन वाला एनर्जी खत्म हो जाता है, ये सही है, ठीक है। तो यहाँ ये आर पे कोई कंडीशन मत लिखो, D इक्वल टू माइनस जी एम वन एम टू अपॉन क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और तो अभी इस आज के पार्ट में बस इतना ही, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, और कुछ नहीं है, केवल आपको क्या करना है, ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है तो अभी ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही, इसके नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे हम देखेंगे। ओके, थैंक यू। कितना हो गया,